नमस्कार मेरे प्यारे प्यारे क्लास सिक्स के सभी बच्चों, आशा करता हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और खूब पढ़ाई करते होंगे। आज हम लोग नए चैप्टर के साथ हैं और आपको पता है कि जब हम लोग नए चैप्टर के साथ आते हैं तो उस चैप्टर के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट को समझते हैं। तो आज भी हम लोग डाटा हैंडलिंग एक नए चैप्टर है जिस चैप्टर के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट आज के वीडियो में समझेंगे कि आप उसमें डाटा हैंडलिंग में ऐसे कौन कौन से इम्पोर्टेंट पॉइंट है जिनसे आप पूरा एक्सरसाइज अच्छे से कर सकते हो। अगर ये वीडियो आप सब अच्छे से देखेंगे तो मैं आज के टॉपिक में पढ़ाई जाने वाली जितनी भी चीजें हैं उनको क्लियर कर दूंगा, ये मैं आपसे वादा करता हूँ। इसके पहले मेंसुरेशन टॉपिक चल रहा था, मेंसुरेशन टॉपिक में मैंने आपको बहुत सारे क्वेश्चंस लगवाए, एक्सरसाइज में भी कुछ क्वेश्चंस मैंने बताए। एक्सरसाइज इजी है, आप चाहो उसे कर सकते हो, फिर भी उसका पीडीएफ हम लोग क्या करते हैं आपको भेजते रहते हैं, आप लोग उसे देखें, उसको सॉल्व करें। जो नहीं आए मेरे पर्सनल नंबर पर आप सब पूछ भी सकते हैं। चलिए आज हम लोग शुरू करते हैं बच्चों। आज हमारा जो चैप्टर है वो है डाटा हैंडलिंग और डाटा हैंडलिंग में हम लोग जो पढ़ेंगे वो है क्या, डाटा किसको कहते हैं, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा क्या होता है और टेलीमार्क्स किसको कहते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट इसके एग्जांपल लेकर के हम लोग देखेंगे। तो डाटा किसको कहते हैं, डाटा इज द ग्रुप ऑफ कलेक्शन। जैसे कई सारी चीजें और कई सारी चीजों को आपको कलेक्ट करना हो, गैदर करना हो, एक सिस्टम में दिखाना तो आप क्या करें। एक एग्जांपल के लिए मैं आपसे एक कह देता हूं कि बच्चों कि मान लीजिए आपके पास आठ बनाना है और आपके पास तीन ऑरेंज है, पांच क्या है एप्पल है। अब ऐसे आपके पास तो आप इन सब को देखोगे, जितने हैं सबको अलग अलग रखोगे, आम को अलग रखोगे, जो आपको आठ आम दिए उसको आप अलग रखोगे, जो आपको अलग जो दिए उनको आप अलग रखोगे। यू आर मेकिंग अ ग्रुप एंड गैदर दिस ग्रुप इन वन, और उनको एक में आप क्या करके एक कलेक्शन बना करके उनको मैं कह सकता हूं कि सुव्यवस्थित ढंग से हम लोग क्या करते हैं इसको। तो जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मैंने आपसे बोला ए डाटा इज कलेक्शन ऑफ नंबर्स गैदर टू गिव सम इंफॉर्मेशन। ए डाटा इज द कलेक्शन ऑफ नंबर्स gathered to give some information, अब मैंने आपसे कहा कि जैसे मान लीजिए हमारे पास बनाना है हमारे पास जो ऑरेंज है वो कितनी है चार और जो एप्पल है वो पांच। और गुआवा कितना है वो क्वेश्चन में फोर। इस तरीके से आप उनको पूछा सकते हो और इन्हें आप किसी स्पेशल साइन से भी दिखा सकते हैं। जैसे मैंने आंटी के लिया 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4। इस तरीके से हमने इनको कलेक्टिव वे में एक रिप्रेजेंटेशन में दिखा दिया।
ओके बच्चों, समझ में आया विधान? चलो अब हम लोग जानते हैं कैरी मास। अब मैं निशान ऑफ डाटा के बारे में पढ़ लिया हम लोगों ने और डाटा के बारे में जान लिया हम लोगों ने, अब हम लोग कैरी मास के बारे में। आप जब कलेक्शन ऑफ डाटा करते हैं तो उन कलेक्शन ऑफ डाटा को एक डिफरेंट साइन में दिखाया जाता है जिसको कैरी मास के थ्रू करते हैं। बड़े इजी है, मैं क्वेश्चन लेता हूं बेटा। मैं क्वेश्चन ये है कि एक घर में राइस जो है वो पसंद करने वाले 17 लोग, राइस को पसंद करने वाले कितने लोग हैं? 17 लोग। और चपाती केवल पसंद करने वाले 13 लोग। दोनों बोथ राइस एंड चपाती ये दोनों पसंद करने वाले कितने लोग हैं? 20 लोग। ये तो उनकी फ्रीक्वेंसी, ये हो गए आइटम। ओके, वो उनकी फ्रीक्वेंसी हो गई कितने लोग हैं इसको यूज करने वाले। अब हमको इसका टैली मार्क्स, टैली मार्क्स बनाते वक्त आप बच्चों ध्यान देंगे कि आप लाइन ही खींचनी आपको, जैसे 17 है 1 2 3 4 5, ये 5 हो गई, 6 7 8 9 10, देखिए गिनती की नहीं तो आपके ये लाइन बात 5वीं लाइन ही हो गई, 10 11 12 13 14 15 16 17। ओके क्लियर? कोई प्रॉब्लम? कोई चपाती कितनी है बच्चों? 13 है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। ओके एंड नाउ 3 10 3। अब दोनों जो है वो कितने हैं? 20। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 5 4 20। ये टैली मार्क्स आपकी बन। जल्दी कॉपी करें। ओके डन। ओह एक क्वेश्चन और है, 41 आस्क टू कलेक्ट डाटा फॉर साइज ऑफ शूज ऑफ स्टूडेंट्स इन हर क्लास 6। क्लास 6 में बच्चों की शूज की साइज का एक डाटा कलेक्शन किया है। फाइंडिंग अ रिकॉर्ड इन द मैनर ऑफ बिलो, इनको एक मैनर में रिकॉर्ड करना। पहले हम लोग स्टूडेंट्स के जो है वो जितनी उसकी रिकॉर्ड है उसको नोट करते हैं। बेटा इसको बहुत ध्यान से देखिएगा, मैं सारे रिकॉर्ड को एक कॉलम में रखूंगा फिर आपको समझाऊंगा। 5 5 6 7 6 5 6 6 5 4 5 6 5 4 5 6 8 7 4 6 8 7 4 6 5 6 4 6 5 6 4 6, सब बच्चों का अलग अलग मतलब साइज है, सब कॉमन है। फाइव सेवन सिक्स सेवन फाइव सेवन सिक्स
6487। अब हमको इसे सही करना है, तो सू साइज एक ये हो गई, दूसरी हो गई नंबर्स ऑफ स्टूडेंट्स, हम लोग निकालेंगे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स और कैलेंडर्स। अब 5 है 8 है 7 है 6 है 4 है, इसके अलावा कोई नंबर नहीं। तो 4 नंबर की है 5 नंबर की है 6 नंबर की है 7 नंबर की 8 है 3 नहीं है, इसकी पैटर्न भी आपको दिख रही होगी, 9 आपको कहीं नहीं दिख रही होगी। तो 4 5 6 7 8 की साइज भी स्टूडेंटों के पास क्या है, दिखते हैं। अब 4 कितनी टाइम्स है ये आपको दे, तो चलिए 1 2 3 4 5 कितनी हो गए, 5। अब 5 देखिए तो 5 आपको कितनी टाइम्स है, 1 2 3 4 5 6 ओके 8 टाइम्स। 5 कितनी टाइम्स है, 8 टाइम्स। 6 कितनी टाइम्स है, अब आप गिन लेंगे 10। 7 कितनी टाइम्स है, 7 टाइम्स। और 8 कितनी टाइम्स है, 2 टाइम्स। ये मैंने पहले से आप सॉल्व करके रखा हुआ, इसमें मैंने आपको बता दिया, आप इसको सॉल्व करें। अब टैली मार्क्स बना दें, 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 1 2 बन गया। इस तरीके से आप डाटा एनालिटिक्स की बेसिक चीजें आप जान गए। नेक्स्ट वीडियो में मैं नए कॉन्सेप्ट आता हूँगा, तब तक आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, नमस्कार।